नमस्कार, गुड मॉर्निंग खम्मा गणी दोस्तों। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता होगा, मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आता हूँ डेली अफेयर क्विज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आगे में हर एग्जाम्स के लिए। तो सेकंड थिंग यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर इंग्लिश से किसी दोस्त को डर लगता है लग रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि सारी क्विज आपको हिंदी में मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे डेली। थर्ड थिंग यहाँ पे बता दूँ कि जो SSC MTS का जो टीयर टू का लेसन टू है हमारा, वो आज बहुत ही जल्दी अभी आपको मिलने वाला है कुछ ही देर में। तो स्टे ट्यून विथ अस, जिससे कि सारी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे आगे की जो भी वीडियो की अपडेट्स है उसकी। सबसे पहले यहाँ पे है क्विज की, हु वाज डिक्लेयर्ड मैन ऑफ द मैच इन द रिसेंटली कंक्लूडेड इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड ODI सीरीज। अभी रिसेंटली इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में ODI सीरीज हुई थी, आपको पता होगा दोस्तों। तो उसमें जो मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है, वो किसको किया है? तो ये किया है जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट यहाँ पे क्विज है हमारी, विच कंट्री हैज रिसेंटली अलाउड वुमेन टू अटेंड स्पोर्ट इवेंट इन द स्टेडियम स्टार्टिंग फ्रॉम द 2018। तो कौन से देश ने अभी जो महिला हैं उनको स्टेडियम में स्पोर्ट देखने के लिए, खेल जो इवेंट होती है उनको देखने के लिए अलाउ किया है? तो ये किया है सऊदी अरेबिया ने। नेक्स्ट क्विज है हमारी यहाँ पे, विराट कोहली ऑन 30 अक्टूबर रिटर्न टू द टॉप स्पॉट इन द ICC वन डे इंटरनेशनल रैंकिंग फॉर द बेस्ट बैट्समैन आफ्टर द लॉन्गेस्ट करियर हाई रेटिंग पॉइंट गोइंग पास्ट विच आइकॉनिक प्लेयर। देखिए यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है, मैं हिंदी में बता देता हूँ, कि जो ICC वन डे इंटरनेशनल रैंकिंग अभी जो जारी किया गया है ICC द्वारा, उसमें कोहली को मिला है टॉप रैंकिंग, मतलब कि पहले नंबर पे कोहली यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे क्विज में पूछा गया कि इससे पहले जो कौन से आइकॉनिक प्लेयर थे उनका नाम टॉप पे था, तो वो थे दोस्तों सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्विज है हमारी जो यहाँ पे, विच टेनिस प्लेयर रिसेंटली वन हिज 8th बेसल टाइटल आफ्टर डिफीटिंग जॉन मार्टिन डे पोट्रो। तो अभी जो एक यहाँ पे रिसेंटली जो 8th बेसल जो खिताब हुआ है, वो किस प्लेयर ने जीता है, किस टेनिस प्लेयर ने जीता है, और जो जिसको हराया उसका नाम है जॉन मार्टिन डे पोट्रो। तो इनको हराकर ये खिताब इन्होंने जीता है। तो इनका नाम है दोस्तों जो रोजर फेडर, इन्होंने ये खिताब जीता है 8th बेसल का। और नेक्स्ट यहाँ पे जो क्विज है वो है, राष्ट्रीय एकता दिवस वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 31st अक्टूबर 2017 टू कमरमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। तो जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो मनाया गया अभी रिसेंटली 31 अक्टूबर को। तो ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये शुरू किया गया था दोस्तों, ये यहाँ पे क्विज है हमारी। तो ये जो शुरू किया था वो किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ एनिवर्सरी पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्विज है वो है कि हु रिसेंटली रिसीव्ड द प्रमोद महाजन श्रीमती अवार्ड 2017। तो ये जो अभी प्रमोद महाजन श्रीमती अवार्ड है 2017 का, वो किसने जीता है ये यहाँ पे पूछा गया है। ये जीता है अनुपम खेर ने दोस्तों। और ये जो अवार्ड दिया जाता है, एक पुणे बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्विज है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड बैंक्स एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग फॉर द 2018 रिलीज्ड ऑन 31st अक्टूबर 2017। अभी जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, उसने एज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग लिस्ट जारी की है, मतलब कि इसका मतलब होता है जो बिजनेस है उसमें आसानी से कौन सा, मतलब कि देश से किस रैंकिंग पे आसानी से बिजनेस को मैनेज कर रहा है, इस तरह की ये लिस्ट होती है, ये जारी की है अभी रिसेंटली 31 अक्टूबर को। उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो क्या है दोस्तों? तो इंडिया की रैंकिंग है दोस्तों 100 मिली है इस बार, और इससे पहले जो रैंक थी इंडिया की वो थी 130। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अभी एक जो यहाँ पे किंग जेम केसर नेमगेल वांचुक एंड हिज क्वीन गेल
Xuan Justin Pema Wang Chung, who arrived in India on 31st October 2017 on the 4-day visit, belong to which country? अभी ये दोनों जो है ये जो अभी रिसेंटली 31 अक्टूबर को इंडिया ये आए थे दोस्तों, और इनका 4 दिन का ये ट्रिप है जो, तो ये पूछा गया कि कौन से देश से हैं, तो ये जो है भूटान से हैं ये दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे क्विज है हमारी कि विच इंडियन क्रिकेटर वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GMC। तो कौन से क्रिकेटर को अभी जो गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है शॉर्ट में बोलते हैं GMC, इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये है दोस्तों सुरेश रैना। और आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं कि गाजियाबाद जो कि यूपी में पड़ता है, इसमें टोटल 16 म्युनिसिपल है, उनमें से जो गाजियाबाद है उसको मतलब कि पहला जो शौच मुक्त घोषित यहाँ पे किया गया है OFD, ठीक है, तो घोषित किया गया है किसको, जो ये गाजियाबाद है इसको। नेक्स्ट ये पूरी क्विज हो गई दोस्तों आज की अपनी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और जो भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे की ऐसी ड्वेली की क्विज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।